आपके मैं हूँ ममता सिंह। करेंगे रुख और भी खबरों का, उससे पहले नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। कानपुर में समर्थक का चालान काटने के लिए फोटो खींचने पर भड़के सपा के विधायक इरफान सोलंकी। पुलिस कर्मियों से बोले विधायक के होश में रहना, मुझे वर्दीगिरी घुसेड़ दूंगा। फोटो डिलीट कराने को भिड़े, बीच सड़क पर हुआ तमाशा। लाइव टीवी समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मैंने खुद देखा तुमने सुनिए सर, फोटो या बगैर हेलमेट के हम लोग ले रहे हैं। वर्दी की फोटो दिखा पहले। अरे तुमने साजिश करी बगैर हेलमेट वालों की मानी। नहीं नहीं नहीं, तुम तुम बहुत तुम्हारा दिमाग खराब है। फोटो इनका भी ले तो फोटो ले लो, इनका ले लेंगे। आपकी आपकी गाड़ी का कोई नंबर हो तो बताइए आप। ये तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब है। तुम्हारा ज्यादा दिमाग खराब। अरे हम उससे ऊपर लगा रहे कमिश्नर साहब को ना। नमस्कार मेरे भाई, खैरियत से? बता दो ये आपके है सुधीर रावत, इनका नंबर है भाई। और एक है आपके संजय कुमार। काफला निकल रहा वो आदमी साहब का, बीच में रोक के फोटो खींच रहे हैं। और पूरा गंगा पुल में जाम करे हुए हैं, झूठ मूठ के लिए परेशान कर रहे हैं हम सबको। और ना जाने क्या क्या बकवास कर रहे हैं। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार, ना जाने क्या क्या बता रहे हैं। कार्यक्रम अबू आजमी साहब के यहाँ प्रोग्राम लगे हुए, झूठ मूठ काफले का फोटो खींच रहे हैं। यही तो क्या है, क्यों है? और फोटो खींच रहे, कह रहे ये गाड़ियां कैसे चल रही है। आप एक है संजय कुमार, एक है मैं आपके दोनों का फोटो भेज रहा हूँ। करुणा सिंह साहब को तुम डीजीपी को लगाओ, फोन डीजीपी को लगाओ। आप भेज दीजिए ना, आप डीजीपी की हमने धमकी नहीं दे रहे। आप फोटो भेज दीजिए सर, आप फोटो आप डीजीपी की धमकी दे रहे सर। आप फोटो भेज दीजिए बस, काल के तक आप फोटो खींच लीजिए, भेज दीजिए। डीजीपी की धमकी दे रहे, फोटो भेज दीजिए, डीजीपी की धमकी दे रहे। अब तक के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़ी देर में फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।